सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। टेस्टी है, टेस्टी। आपके हिमाचल में भी ऐसे रिटायरमेंट मनाई जाती है? ऐसी मनाई जाती है। अच्छा, कांगड़ा में रहते हैं? ठीक है, मैं तो कांगड़ा में ही जाने वाला हूँ। नाम क्या है आपको तो पता ही होगा, आप मेरे मामू। मामू तो है मगर मैं भूल गया हूँ नाम, तो मामा से पूछो। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नाजरीन, पिछले काल मैं जम्मू में पहुँच चुका हूँ। मेरे बड़े भाई मुश्ताक अहमद मलिक, रिटायर्ड नायब तहसीलदार, एक पार्टी उन्होंने आबाई गांव खूबसूरत वैली बनी में दी, दूसरी पार्टी डिस्ट्रिक्ट जम्मू सैनिक कॉलोनी में आज पार्टी है, रिटायरमेंट पार्टी चल रही जम्मू में। किस्म किस्म के पकवान बनने वाले हैं यहाँ पर, इतनी वैरायटीज हैं, स्वीट्स हैं, सब कुछ है। ये कौन सी वैरायटी है? ये मटन है जनाब, रोगन जोश। मटन का रोगन जोश जो है ये तैयार हो गया? ये बिल्कुल तैयार है। कलर देखिए इसका, ये देखो कलर तो बहुत जबरदस्त, खुशबू माशा बहुत जबरदस्त है। वाह क्या बात, बनाने वाले ने तो कमाल कर दिया। ये कौन सी वैरायटी है? ये यखनी जनाब, यखनी। ये भी कम्प्लीट तैयार है? कम्प्लीट तैयार है। कौन सी वैरायटी है? ये मिर्ची कोरमा। मिर्ची कोरमा ये बन रही, इसमें मसाले डाल रहे हैं? अभी पकाना है। ये लाल मिर्ची डाल रहे हैं, कश्मीर की है ये। क्या गूंद रहे हैं आप? इसमें क्या डाला है मिक्स? इसमें कसूरी मेथी है और नमक है। अच्छा, अजवाइन वगैरह डाला। क्या बनने वाला है अभी? इसका नान लगेगा मैदा। ठीक, वैरायटी क्या बनेगी? ये नान बनेगी। ये काफी तैयार हो रहा है। ये बन रहा है गजरेला, टेस्टी टेस्टी गजरेला। अच्छा, काजू बादाम किशमिश सब कुछ डाला जाता है? ये तो फिर बहुत ही मजेदार बनेगा। देसी घी भी डालते हैं। क्या बात है यार। नाजरीन, यहाँ पर जितनी भी वैरायटीज हैं, जो खाएगा वही मजा पाएगा। बहुत ही लजीज खुशबूदार खाना तैयार कर रहे हैं हमारे कश्मीरी वाजवान। इतना टैलेंट है हमारे इन कश्मीरी वाजवानों में, खुशबूदार मजेदार मसाले भी पड़ते हैं। ये मुझे काफी जो है टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं। गजरेला तैयार हो चुका है। क्या खुशबू है, क्या टेस्ट है, क्या कलर है। ये चावल बन रहा है? अभी मैं सेकंड फ्लोर पर जा रहा हूँ, वहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पर वेज ऊपर चल रहा है, नीचे जो फ्लोर है वहाँ पर नॉन वेज है। जिसको मर्जी है वो अपनी चॉइस से खाना खाते हैं। मेहमान यहाँ पर आए हुए, उनको खाना जो है अभी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर टेस्टी यहाँ पर खाना बना है, मजेदार है। क्या जायका है, इसमें खुशबू से पता चलता है। एसपी साहब मेरे अंकल जी हैं। अच्छा खाना है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। भारत में ऐसा नहीं देखा, जो रिटायर होता है उसे गिफ्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हार पहनाते हैं। इस किस्म का जो है हमारे इलाके में है, बड़ा इज्जत मान से जो है रिटायर होते हैं लोग, और उनकी घर में भी बहुत अच्छा फंक्शन वगैरह होता है। इस किस्म का कहीं भी किसी भी इलाके में इस किस्म का इज्जत जो है एक रिटायरी को नहीं दी जाती। जो है मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, और जो बिछड़े हुए लोग होते हैं वो भी इकट्ठे होते हैं और आपस में मिलते हैं। और कैसा खाना बना आपने? अच्छा, खा लिया? बहुत अच्छा है। जैसे हलवा और चिकन भी शायद बना, बहुत बहुत अच्छा बना। कितना टेस्टी खाना है? बहुत टेस्टी है। हलवा टेस्टी है? हाँ जी, बहुत टेस्टी, टेस्टी है, बहुत टेस्टी। आपके हिमाचल में भी ऐसे रिटायरमेंट मनाई जाती है? ऐसी मनाई जाती है, मनाई जाती है हमारे हिमाचल में। बहुत अच्छा बना है। कितना टेस्ट है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो पानी आ रहा, मुँह से क्या करूँ यार। नाजरी, एक तरफ लेडीज खाना खा रही है तो एक तरफ जेंट्स खाना खा रही है यहाँ पर। नाम क्या है आपको तो पता ही होगा, आप मेरे मामू। मामू तो है मगर मैं भूल गया हूँ नाम, तो मामा से पूछो यार। वो मुझे कहाँ मिलेगी अभी बताओ ना नाम, वो आपको यहाँ ही मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, खाने में कितना मजा आया? थोड़ी देख लो। तो आपने आधी खा ली है?
नॉन वेज अलग है, अलग से नॉन वेज प्योर वेज है, प्योर खाना चाहता है वो यहाँ पे आए, और जिसको अगर दूसरा नॉन वेज खाना है उनके लिए अलग से इंतजाम किया। कैसा खाना बना है? टेस्टी है, टेस्टी है। इसमें ये ऊपर से इतने बादाम डाले हैं, यहाँ क्या बन रहा है? तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी गरम गरम, जिसको जितनी खानी है। लोग बड़े मजे से चाव से खाते हैं। तो हमारे शकील जी हैं, खाना कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन खाना है, टेस्टी कितना था, ऐसा मजेदार खाना, ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में खा रहे हैं। खाना कैसा बना है? अच्छा, अच्छा है, टेस्टी, बढ़िया, टेस्टी है। बेहतरीन वैरायटी ये है गजरेला, बिल्कुल यहाँ का स्पेशल रोगन जोश। बट साहब खाना कैसा बनाए? बहुत बढ़िया, बहुत आला। ये मलिक साहब की एक यादगार रिटायरमेंट है, कम बेश इस बहुत ही कम ऐसी रिटायरमेंट देखने को मिलती है। और ये एक तो रिटायरमेंट की एक याददाश्त होती है, दूसरी बात यह है कि इसमें अपने भी मिलते हैं, अपने उनके साथ भी मुलाकात का एक जरिया बन जाता है, ये एक बहाना बनता है, एक बहाना बनता है, एक जरिया है ये। मैं खाना स्टार्ट करता हूँ। गांव का रहने वाला, सिंपल लोग होते हैं, गांव के सादे होते हैं, बड़े सबर करने वाले होते हैं, पर मुझे कुछ न कुछ मिल ही गया। स्पेशल रोगन जोश आपके जम्मू कश्मीर का। मलिक साहब से अपने तासरात की कल्पना। चाचा जान हैं, 101 साल इनकी एज है, और इनका लगते जिगर, ये भी बड़ी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, और इनकी अंजी है साथ में। ये दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। हमारे भाभी जी और साथ में हमारे नायब तहसीलदार रिटायर्ड और इनका जिगरी दोस्त, इन्होंने अपनी कुर्सियां जो है ग्रहण कर ली हैं। तो अभी यहां पर जो बाहर से मेहमान आए हैं, गिफ्ट कुछ हार डालने वाले हैं इनके गले में। नाजरीन, मेरे भाईजान के गले में दुनिया भर के हार और गिफ्ट लोग दे रहे हैं यहाँ पर। फजाइल अमाल है ये बुक, एक हमारी इस्लामिक रिलीजन की बुक भी इन्होंने दी है हमारे भाईजान को। हमारी पुखी जान है, तो अभी गले मिल रहे हैं हमारे भाईजान के। नाजरी, हिमाचल से हमारे रिलेटिव हैं, मेहमान हैं, अभी ये भेंट कर रहे हैं हमारे ब्रदर को गिफ्ट।
नाजरी मेरे भाई जान के गिफ्ट से नवाज रहे हैं। हार किसी ने नहीं डाला जितने मैंने डाले। मेरी भाभी जी, इनका बड़ा भाई रिस्पेक्टेड जनाब यासुद्दीन रिटायर्ड तहसीलदार, और मेरे साथ में हैं मेरे बड़े भाई जान और तहसीलदार साहब का लखते जिगर जनाब तनवीर जी, और मेरे चाचा जान जिनकी 101 साल है, और इनकी तहसीलदार साहब की बहू भी साथ में है। ये सामने बहू है इनकी। फील कर रहे हैं इस वक्त, इतनी रिस्पेक्ट आपको दे रहे हैं। अरे मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, और बाइज्जत बिला दाग यहाँ इस महकमे रेवेन्यू से नायब तहसीलदार के तौर पर रिटायर किया है। नाजरी, ये मेरी पुफी जान है, मेरा भाई है, और हमारे रिलेटिव हैं हिमाचल से आए हुए, तो हिमाचल के लोगों के साथ मुझे काफी प्यार है, मोहब्बत है। आप सिंथा में रहते हैं तो आपके माई केंगड़ा में रहते हैं? ठीक है, मैं तो कांगड़ा में ही जाने वाला हूँ। अच्छा, अच्छा। मेरी दादी जी है, कैसा खाना लगा? बहुत अच्छा। अच्छा है? हाँ। तो अभी क्या गिजरेला खा रहे? और क्या? गिजरेला खा रही हूँ। तो हमारे ब्लॉगर एंड टुडे एंड देयर इज अ क्वेश्चन टुडे, हु व्हाट कैरेक्टर एम आई ड्रेस्ड अप एज? जे हमारे बनी के हिमालयन ब्लॉगर्स, ये भी हमारे इस खाने का आनंद लेते हुए